अरे प्रीति, नाश्ता लाने में इतनी देर कर दी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। वो क्या है ना विशाल, आज आपके लिए ना स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रही थी, उसे बनाने में टाइम लग गया। अच्छा जी, स्पेशल ब्रेकफास्ट? पर ये कैसे स्पेशल ब्रेकफास्ट है, और मेरी चाय कहाँ है? विशाल, आज से आपकी चाय बंद, और ब्रेकफास्ट भी आपको आज से ऐसा ही मिला करेगा। चाय इसके लिए मुझे ना आधा घंटा पहले क्यों ना उठना पड़े। अरे प्रीति, मुझे सैलेड वाला ब्रेकफास्ट ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो बस चाय पराठा ही दिया करो। विशाल, आपने चाय पराठा खा कर ना अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। इस बार डॉक्टर ने भी आपको बोला था ना कि तली भुनी चीजों से दूर रहो, तो अब से ना आपको ऐसा ही नाश्ता मिलेगा और यही खाना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है यार, जब आपने इतने प्यार से बनाया है तो खाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे आप ना मेरी सेहत का बहुत ध्यान रखते हो। अरे दो मिनट, फोन बज रहा है। हेलो, हाँ प्रिया, तक आओगी? हाँ, मैं 9:30 बजे उससे फाइल ले लूंगा। क्या कह रही हो? दो मिनट होल्ड करो, ऐसा है मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, आप मेरा लंच पैक कर दो। ठीक है। अरे प्रिया, मेरी वाइफ मेरे साथ में बैठी थी, इसलिए मैं तुम्हारे से कोड वर्ड में बात कर रहा था। मेरा कहने का ये मतलब था, मैं तुम्हें 9:30 बजे पिक कर लूंगा। ठीक है, जल्दी आओ। अरे राजीव भाई, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, ऑफिस की सबसे हॉट लड़की प्रिया को डेट कर रहा हूँ। विशाल भाई, ये प्रिया लड़की ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, और ऑफिस वालों से ऐसा सुनने में आया है ये प्रिया जो है ना हमारे ऑफिस का सारा डाटा लीक कर रही है। अरे राजीव भाई, डाटा लीक करती है तो उससे मुझे क्या, मेरी तो मौज हो रखी है, कल ही मैंने उसको 15,000 रुपए की शॉपिंग करवाई है। विशाल भाई, तू शादीशुदा है और भाभी भी तुझे बहुत प्यार करती है, इस तरीके से भाभी को धोखा देना और दूसरी लड़कियों पर पैसा लुटाना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, तो मैं उस पर कौन सा अपनी पूरी दौलत लुटा रहा हूँ, उस पर थोड़े से ही तो पैसे खर्च करता हूँ। ले, आ गया प्रिया का फोन, तू ऐसे कर ऑफिस पहुँच, मैं थोड़ी इससे बात कर आता हूँ। मुझे विशाल को रोकना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये ऐसी लड़कियों के चक्कर में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। ऐसा करता हूँ, भाभी को फोन कर लेता हूँ। नमस्ते भैया, और आज कैसे फोन कर लिया आपने? बस वैसे ही भाभी। भाभी, आपको तो बहुत अच्छे से पता है विशाल मेरा बचपन का दोस्त है, और बाय लक हम एक ही कंपनी में काम भी करते हैं। भाभी, विशाल से ना मेरा बहुत प्यार है, और मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते देख नहीं सकता। भैया, ये आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज आप ये बात विशाल को मत बताना कि ये बात मैंने आपको बताई है। भैया, आप चिंता मत करो, मैं आपकी ना बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं इतना जानती हूँ कि आप ना हमारे परिवार का बुरा नहीं चाहोगे। आप बताओ क्या बात है। ठीक है भाभी, बताता हूँ आपको। भाभी, अभी 1 महीना पहले एक प्रिया नाम की लड़की ने हमारे ऑफिस को ज्वाइन किया है, और वो प्रिया नाम की लड़की ना भाभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रिया ने विशाल को अपने जाल में फंसा लिया है, और वो इस ऑफिस का डाटा भी लीक कर रही है। भाभी, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप विशाल पर नज़र रखा करो। क्या भैया, ऐसी बात है? अब ना भैया मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है कि जब भी प्रिया का फोन आता है ना, या तो ये खुद बाहर चले जाते हैं या मुझे वहां से भेज देते हैं। थैंक यू भैया मुझे इस बारे में अवेयर करने के लिए। ठीक है भाभी, आप ध्यान रखना विशाल का, और भाभी प्लीज मेरे और आपके बीच में जो भी बात हुई है वो विशाल को ना पता लगने पाए। ठीक है भाभी। प्रीति, जब तेरा फोन आया था ना मैं मार्केट में थी, ये बता तूने अचानक से मुझे फोन करके क्यों बुलाया? सब ठीक तो है, और तू बड़ी टेंशन में भी लग रही है। डॉली, तुझे क्या बताऊं, टेंशन वाली तो बात ही है, आज मेरा 6 साल पुराना भरोसा ही टूट गया है। प्रीति, 6 साल पुराना भरोसा? मुझे तेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही, साफ साफ बता बात क्या है। डॉली, वो क्या है ना, डुग्गू के पापा के ऑफिस में एक लड़की है प्रिया, उनका ना उसके साथ कुछ चल रहा है। क्या, तेरे पति का कुछ चल रहा है? प्रीति, ये तू क्या कह रही है, और एक बात बता, इतनी बड़ी बात तू इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है? डॉली, मैं इतनी बड़ी बात इतने यकीन के साथ सिर्फ इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि आज विशाल के दोस्त का फोन आया था, और उन्होंने मुझे बताया कि विशाल का उनके ऑफिस में काम करने वाली प्रिया का कुछ चल रहा है,
और पता है मैंने कई बार नोटिस भी किया है, जब भी उस प्रिया का फोन आता है ना विशाल, मुझे किसी ना किसी बहाने से या किसी काम से वहाँ से भेज देते हैं। और तो और डॉली, पिछले एक महीने से उनके हाव भाव ना बिल्कुल बदल से गए हैं। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये ना उस पर पैसा भी खूब खर्च कर रहे हैं। अभी सैलरी मिले कुछ ही दिन हुए हैं पर उनके पास सैलरी बची ही नहीं है। प्रीति, तेरी सारी बात सुनकर तो मुझे यही लग रहा है कि विशाल का प्रिया के साथ पक्का कुछ चल रहा है। हाँ डॉली, तुझे तो पता ही है मैं विशाल का कितना अच्छे से ध्यान रखती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ, पर उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, अब मेरे पास ना उनसे अलग होने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। प्रीति, तू इतनी बड़ी बात मत बोल, और तू अपनी 6 साल की शादी को एक झटके में कैसे तोड़ सकती है। प्रीति, गलती इंसान से ही होती है, तू एक मौका विशाल को देके देख, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। पापा, मम्मी कहती है कि मुझे बड़े होके आपकी तरह बनना है। क्या बेटा, बड़े होके मेरी तरह बनना है? पर मम्मा आपको ऐसा क्यों कहती हैं? विशाल, इस बात का जवाब देने के लिए ये अभी बहुत छोटा है, इस बात का जवाब ये नहीं दे पाएगा, इस बात का जवाब मैं आपको देती हूँ। मैं ना दिल से चाहती हूँ ये बड़ा होकर आपके नक्शे कदम पर चले। मेरे नक्शे कदम पर चले? पर प्रीति, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? विशाल, आज हमारी शादी को पूरे 6 साल हो गए हैं और इन 6 सालों में मैंने महसूस किया है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, और मैं इतना जानती हूँ आज तक आपने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा तक भी नहीं होगा। प्रीति मुझ पर कितना विश्वास करती है, मुझे प्रीति के इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। विशाल, एक बात बोलूं, आज के समय में आप जैसा पति मिलना नामुमकिन है, बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये बड़ा होकर आपके नक्शे कदम पर चले। प्रीति, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। चलो छोड़ो इन बातों को, आज तुम्हें अपने ऑफिस की बात बताता हूँ। वो जो मेरे पास प्रिया नाम की लड़की का फोन नहीं आता है, उसने हमारे ऑफिस में ज्वाइन इसलिए किया था कि हमारे ऑफिस का डाटा वो दूसरे ऑफिस में दे सके। मेरा फोन आ रहा है, ये देखो प्रिया का फोन। प्रिया, मुझे आज के बाद कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ये क्या कह रहे हो?